हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप आपको मेरी प्रीवियस वीडियो पसंद आई होगी। सो जैसा कि मैंने बताया था कि हम पूरी भुवनेश्वर टूर पे गए थे, और इस वीडियो के माध्यम से आई विल बी ट्राइंग टू शो यू हाउ ब्यूटीफुल दिस प्लेस इज। वी स्टेड इन अ बीच साइड होटल नेम्ड हॉलीडे रिजॉर्ट। द होटल वॉज क्वाइट गुड एंड आप होटल के लॉन से सीधे बीच को जा सकते हैं। सुबह का उगता सूरज पूरी बीच से देखना खुद में एक बेहद अद्भुत अनुभव है। हमने काफ़ी टाइम भीड़ भाड़ से दूर बस बीच में ही स्पेंड किया। कुछ पल वहाँ एकांत में बैठने से मन शांत हो गया। दिस इज़ कोणार्क सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में जगन्नाथपुरी से 35 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में कोणार्क नाम के शहर में प्रतिष्ठित है। इन 1984 यूनेस्को डिक्लेयर्ड इट एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कोणार्क के सन टेम्पल का निर्माण 13th सेंचुरी के अराउंड हुआ, और इसे बनाने में लगभग 12 साल और 12,000 कारीगर लगे। ये टेम्पल सिर्फ अपने मैमोथ स्ट्रक्चर और ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर के लिए नहीं, बल्कि यहाँ के स्टोरीज के लिए भी फेमस है। एक स्टोरी जो टेम्पल कंस्ट्रक्शन कम्प्लीशन को डिस्क्राइब करती है, एक 12 साल के बच्चे धर्मपदा की है, जिसने अपनी लाइफ 12,000 आर्टिशंस को बचाने के लिए सेक्रीफाइस कर दी। कोणार्क सन टेम्पल का कंस्ट्रक्शन सेबई समित्री महापात्रा एंड विष्णु महाराणा, जो कि चीफ आर्किटेक्ट थे, उनकी देखरेख में हो रहा था। ऐसा कहा जाता है कि जहां मंदिर का निर्माण होना था वहां की मिट्टी बहुत ख़राब थी। मंदिर के चीफ आर्किटेक्ट ये देखकर बहुत उदास हो गए। हालांकि और कोई रास्ता ना होने के कारण उन्होंने वहां बहुत परेशानियों के साथ काम शुरू कर दिया। There was a contract between the king and workers that no one will be allowed to go away until the whole work was completed. Construction लगभग ख़त्म ही होने वाला था कि अचानक workers को कलश, जो कि temple का crown होता है, उसे सही position पर fix करने में दिक्कत होने लगी। In the meantime, chief architect का बेटा धर्मपदा अपने पिता से मिलने आया। एज ही वॉज अवे फ्रॉम होम फॉर लॉन्ग टाइम, धर्मपदा का जन्म उसके पिता के मंदिर निर्माण के लिए जाने के एक मंथ बाद हुआ था, और 12 साल बीत चुके थे। धर्मपदा हमेशा उदास रहता था क्योंकि उसने अपने पिता को कभी देखा नहीं था, और उसकी माँ ने भी कभी ज़्यादा कुछ बताया नहीं। अपने 12th बर्थडे पे उसने अपनी माँ से पिता से मिलने का गिफ्ट मांगा। उसकी माँ ने उसे मंदिर निर्माण और उसके पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई। धर्मपदा अपने पिता से मिलने की सोचा और कंस्ट्रक्शन साइट पे चला गया। पिता और दूसरे कारीगरों से मिलने के बाद उसे पता चला कि वे खुश नहीं हैं और कलश फिक्स करने में दिक्कत हो रही है, और अगर वो रीजनेबल टाइम पर इसे पूरा ना कर पाए तो राजा उनके सर धड़ से अलग कर देंगे। ये सुन धर्मपद उठ खड़ा हुआ और उसने डिस्कवर किया कि काम में कुछ खराबी थी। उसने उसे तुरंत रेक्टिफाई किया एंड मेड द कलर्स टू गो इनटू इट्स प्रॉपर पोजीशन। काम हो गया, पर कारीगर अब भी दुविधा में थे कि अगर राजा तक ये बात पहुंची
तो वो ये सोचेंगे कि कारीगर अपना काम सही से नहीं कर रहे थे, जो कि एक छोटे बच्चे ने इतने कम टाइम में कर दिया। धर्मपदा नेवर वांटेड ग्लोरी, नेम और फेम फॉर हिज अचीवमेंट्स। वो मंदिर निर्माण खत्म होने से खुश था कि उसने इतने सारे लाइव्स बचाए। पर यह सुनकर धर्मपदा शॉक में था कि राजा कारीगरों को अपने काम सही से ना करने के लिए पनिश कर सकते हैं, और इस बात को कवर करने के लिए वो टेंपल टॉप पर चढ़ गया और वहाँ से वो नीले समुद्र में कूदकर अपनी जान दे दी। धर्मपदा अचीव्ड अल्टीमेट ग्लोरी बाय कंप्लीटिंग द ग्रेटेस्ट टेंपल एवर बिल्ट, सैक्रिफाइज्ड हिज लाइफ टू सेव द लाइफ ऑफ अदर्स। हम उदयगिरी और खंडागिरी भी घूमने को गए। ये उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास स्थित दो पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों में आंशिक रूप से प्राकृतिक व आंशिक रूप से कृत्रिम गुफाएं हैं, जो पुरातात्विक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व की है। ये दोनों गुफाएं लगभग 200 मीटर के अंतर पर हैं और एक दूसरे के सामने हैं। ये गुफाएं अजंता और एलोरा जितनी प्रसिद्ध तो नहीं हैं, लेकिन इनका निर्माण बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया है। इनका निर्माण राजा खारवेल के शासनकाल में विशाल शिलाखंडों से किया गया था, और यहाँ पर जैन साधु निर्वाण प्राप्ति के समय यात्रा करते थे। इतिहास, वास्तुकला और धर्म की दृष्टि से इन गुफाओं का विशेष महत्व है। उदयगिरी में 18 गुफाएं हैं, वहीं खंडागिरी में 15 गुफाएं हैं। कुछ गुफाएं प्राकृतिक हैं, लेकिन ऐसी मान्यता है कि कुछ गुफाओं का निर्माण जैन साधुओं ने किया था, और ये प्रारंभिक काल में चट्टानों से काटकर बनाए गए जैन मंदिरों की वास्तुकला के नमूने में से एक है। यहाँ हमेशा भीड़भाड़ भी लगी रहती है, पर यह जगह काफी शांत और सुकून का अनुभव देती है। This place is called Eco Retreat Konark. Considering the highest hospitality standards, Eco Retreat Konark has done a fabulous job. This place is serene and you can have full privacy with your family. Yahan requirement ke according 4 categories ke tents available hain, and all tents are located on the beach facing the sea.
charges are including all food, breakfast, lunch and dinner, and one water sport. Stay is good, but food is average. एक रिलैक्स्ड वेकेशन के लिए ये बहुत ही अच्छी जगह है. देर इज़ नो वाईफाई फैसिलिटी एंड नेटवर्क कवरेज भी उतनी सही नहीं है. तो आई वुड से डिजिटल डिटॉक्स के लिए दिस प्लेस इज़ आइडियल. ओवरऑल इट्स अ लवली प्लेस वेयर यू कैन सीनिक ब्यूटी. एंजॉय द वीडियो. I hope you liked my video. Please give it a thumbs up if you liked it and do share it with your friends and family. Thank you.